अफगानिस्तान का करेंसी का रेट क्यों बढ़ रहा है, उसका कुछ खास कारण नहीं मिला, और टैक्सेशन कम किया, 1.5% था अभी 0.5% किया, तो नया कंट्री है, सब कुछ चंगा चलेगा, और ऐसा पहले से ही होता आ रहा है कि एक पीक तक एम्पायर पहुंचता है, बाद में नीचे आ जाता है, और जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, और ऐसा पहले से ही होता आ रहा है। तो यूरोप अमेरिका विल गेट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उधर पर्पजली सरकार ही डिस्ट्रॉय कर रही है, करेंसी कोलैप्स, इकोनॉमी कोलैप्स और होमोगिरी को प्रमोट कर रही है। अभी उससे क्या फायदा होने वाला है, कुछ भी नहीं, लेकिन दे आर प्रमोटिंग होमोगिरी इन मिलिट्री का एड में, रिक्रूटमेंट का एड में होमोगिरी है। तो ये पर्पजली खुद का कंट्री डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा रहा है। तो एक्चुअली देखेगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। अफकोर्स ये मादर जात लोग जानबूझ के रिस्ट्रिक्शन से गरीबी बढ़ा रहे हैं, ऐसा देखा गया है लीबिया, कतार और बहुत सारा ऑयल रिच कंट्रीज, उधर सिटीजन्स को पैसा बांटता है वो लोग, बांटा था, कतार है अभी जिंदा, पर लीबिया, वेनेजुएला ये कंट्रीज का इनकम ऑयल रिच कंट्रीज था, सिटीजन्स में बांटा वो लोग ने, घर फ्री, महीने का इतना पैसा देगा फ्री में, कतार में अभी भी मिलता है, एजुकेशन टोटल फ्री, और तेरे को अच्छा मार्क्स आएगा तो पैसा भी मिलता है, वो लोग दे सकते हैं क्योंकि वो लोग के पास है। तो सिमिलरली इंडिया का भी प्रॉस्पेरिटी थोड़ा बढ़ा है, अफकोर्स ये कामाटीपुरा का बढ़वा आके कम किया है, थोड़ा गरीबी लाया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बांट रहा है पैसा, जो कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो बहुत है, और अगर ये लोग खाएगा नहीं, करप्शन होगा नहीं, तो लोगों में आसानी से बांटा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पानी फ्री, सब्सिडी भी दे सकते हैं चीज भाजी में, खेती में, सब में दे सकते हैं। तो ओवरऑल ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और बहुत सारा चीज़ों से प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है, एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ ये मीडिया के थ्रू और ये लोग ला रहे हैं उसका है। तो उसके वजह से मतलब अरविंद केजरीवाल जो कर रहा है कि फ्री ये सब जगह कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि कंट्री का उतना प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया का बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत सब्सिडी ये वो दे सकते हैं। तो अभी ट्रेंड एक्चुअल में ऐसा है प्रॉस्पेरिटी का, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे ना। एक्चुअली एआई एक्सपर्ट, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ में लगे हैं, इकोनॉमिक फोरम को फॉलो करते हैं, और एक एआई एक्सपर्ट है बेन शर्पाओ, ऐसा कुछ तो नाम है उसका,
वो बोल रहा था क्या ऐसा करेंगे कि ये लोग लोगों को जानबूझ के गरीब बनाएंगे, मीन्स ही इज अवेयर ऑफ इट, पर वो बोलता है कि नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि वो लोग मेहनत करना पड़ता है लोगों को गरीब बनाने के लिए, तो इतना मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा वैसा वो बोल रहा था। ही इज अवेयर कि गरीब बनाने का प्लान चल रहा है, बट वो बोलता है कि ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज ही थिंक्स इट्स टू मच एफर्ट, और अमीर लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे लोगों को गरीब बनाने के लिए। बट एक्चुअल में लोगों को गरीब बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की जा रही है, एक पॉलिसी बनाई जा रही है, एनर्जी प्रोडक्शन कम करेंगे, इंडस्ट्रीज पे रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे जिससे प्रोडक्शन कम होगा, महंगाई बढ़ेगी, और बहुत सारा चीज़ वो लोग करने जा रहे हैं जिससे लोग गरीब रहेंगे। तो ये जो लीबिया में वो मिडिल ईस्ट में भूकंप, आग, फ्लड, डेवेस्टेटिंग स्केल में, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, यूरोप में भी आग लगा, ऑस्ट्रेलिया में भी क्लाइमेट चेंज का, अमेरिका कनाडा में भी, तो ऐसा सब जगह आग लगा, मिडिल ईस्ट में लगा, सिर्फ अफ्रीका और इंडिया में हुआ नहीं है। तो खतरा ये है कामाटीपुरा का भड़वा वापिस आता है, तो इंडिया में भी क्लाइमेट चेंज का आग लगेगा, भूकंप आएगा और बहुत सारा फ्लड और ये सब भी आएगा, क्योंकि वो एजेंडा कोऑर्डिनेटर है। राहुल गांधी एटलीस्ट एजेंडा कोऑर्डिनेटर नहीं है एज ऑफ नाउ, मिला होगा, एज ऑफ नाउ एजेंडा कोऑर्डिनेटर नहीं है, और दलाल भड़वा एजेंडा कोऑर्डिनेटर है, तो डायरेक्टली उधर की पॉलिसीज इधर इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनके हिसाब से इंडिया चला रहा है, सारी पॉलिसीज उनके हिसाब से बना रहा है, क्योंकि उसको लगता है वो ग्लोबल लीडर है, और ऐसा कुछ तो लगता है उसको, चूतिया है, बुढ़ापे के कारण उसका दिमाग खराब हो गया है। तो अगर ये सच में हार पे और डीप स्टेट इसको कर रहा है, भूकंप, क्लाइमेट चेंज का आग, तो वो सब इंडिया में भी आएगा, और इंडिया में गर्दी गर्दी है, सब कुछ नज़दीक नज़दीक है, भूकंप आया इधर तो अर्थक्वेक प्रूफ कुछ है भी नहीं, तो कैसा तबाही मचेगा। आग लग गया, बहुत सारे ऐसा भीड़ भाड़ वाले एरिया है, कैसा जलेगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, हार और डीप स्टेट कर रहा है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो रहा है, इंडिया में भी लागू होगा, तो क्लाइमेट चेंज वाला आग, भूकंप इधर भी आएगा, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। देखो, अभी सत्ता चेंज तो होना ही चाहिए, जितना जल्दी हो सके ये दल्ले को निकाल बाहर करना चाहिए लात मार के, और इसके फाइल भी खुलनी चाहिए, क्योंकि इसने जो कांड किए वो बहुत ज़्यादा है,
लेकिन ऐसा होगा कि नहीं मालूम नहीं। कांग्रेस का सत्ता आया, एज ऑफ नाउ कांग्रेस अच्छी दिख रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है कांग्रेस में, लेकिन वैसा होगा कि नहीं एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन ये सत्ता से जाना चाहिए। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ओवरऑल इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, काफ़ी पैसा है, टैक्सेशन से काफ़ी पैसा कलेक्ट होता है, एक्स्ट्रा बचता है, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री खाने पीने की जो चीज़ों में सब्सिडी आसानी से दे सकता है, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे बचेंगे और टैक्सेशन भी कम किया जा सकता है, और एआई रेवोल्यूशन से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी कि ऑलमोस्ट किसी को काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज तो यही है कि ये लोग जिंदा रहने देंगे क्या, भूकंप लाएंगे, आग लगाएंगे, वायरस आया बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले टावर से, माइक्रोवेव से तंदूर बनाएंगे, डीप फ्राई करेंगे या ऊपर ऊपर वाला फ्राई करेंगे, तो देखेगा जो चीजें है उससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन बुरे लोगों ने प्लेनेट पे कब्जा कर रखा है, तो ये सच में होगा प्रॉस्पेरिटी, तो ये जो बुरे लोग हैं वो आने तो नहीं देंगे। अभी पता चलेगा, अभी बोल रहे हैं वायरस आया। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी वेपन से ये लोग आदमी को बीमार करेंगे तो समझेगा नहीं कि वो बीमार कैसे हुआ, उसको लगेगा अरे क्या हुआ मेरे को अचानक, उसको लगेगा ये कंस्पिरेसी थ्योरी के वीडियो देख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये लोग बोल रहे वायरस आया, ये लोग बोल रहे वायरस नहीं है, बट मैं तो बीमार है, और फिर मैं अभी जाऊँ किधर, फिर वो जाएगा डॉक्टर के पास, तो थोड़ा तड़प तड़प के ठीक होगा। इसमें कैसा है, किसके वजह से बीमार गिर रहा है वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन दिखता नहीं है, लेजर दिखता है, माइक्रोवेव दिखता नहीं है, और उसका इफेक्ट भी सुपर रहता है। एक बिटशूट पे चैनल है, यूट्यूब पे भी है, मैंने शायद सब्सक्राइब भी किया रहेगा, माइक्रोवेव रेडिएशन से कैसे बचने का, दो वीडियो है एक एक घंटे के, मैंने दोनों भी देखे, तो है अच्छा खासा टिप्स माइक्रोवेव रेडिएशन रिफ्लेक्ट करने का। और उसने माइक्रोवेव यूज करके एक माइक्रोवेव वेपन भी बनाया, और उस को यूज करके कैसे रेडिएशन रोकने का, रेडिएशन किधर तक जा रहा है वो सब भी दिखाया। तो माइक्रोवेव ओवन से घर पे माइक्रोवेव वेपन बनता है, तो सोचो ये लोग के पास कितना पावरफुल वेपन होगा मिलिट्री के पास, तो ये यूज होने वाला है।
और लोग बीमार गिरेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुए।